वेलकम डियर स्टूडेंट टू दिस लेक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क वेल्डिंग। सो बेसिक ऑफ आर्क वेल्डिंग एज वेल एज व्हाट आर द पावर सोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर आर्क वेल्डिंग एक्सेट्रा। वी हैड ऑल्सो सीन द टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर from electrode to weld pool. Now in this lecture we will see different types of arc welding. So let's start with the first type. First one is called as carbon arc welding. Now, in this process, a pure graphite or baked carbon rod is used as a non-consumable electrode to create an electric arc between two electrodes and the workpiece. जैसे कि हमने definition of welding में देखा था, वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाई यूजिंग हीट। नाउ दिस डेफिनेशन ऑल्सो एडेड विथ और विदाउट यूज ऑफ प्रेशर, विथ और विदाउट यूज ऑफ फिलर मेटल। अब हमने ये भी देखा था कि कंज्यूम इलेक्ट्रोड दो तरीके के हो सकते हैं, वन विज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड खुद मेल्ट होता है, अनदर इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो मेल्ट नहीं होता है। वेन एवर वी यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मोस्ट ऑफ द केसेस हमें फिलर मेटल यूज करना पड़ता है, एक्सटर्नली मेटल प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड से मेटल सप्लाई नहीं होता है, इट इज़ अ नॉन कंज्यूमेबल, वो खुद मेल्ट नहीं होता है। नाउ दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग दैट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड विच इज मेड ऑफ प्योर ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट के बारे में सुना होगा, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट डू नॉट मेल्ट। हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और कहाँ पर देखा है, इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वहाँ पर भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हमने पिछले यूनिट में देखा था। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो यूजेस अ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एंड इट इज नॉन कंज्यूमेबल टाइप, मतलब इलेक्ट्रोड कभी मेल्ट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली हमें फिलर रॉड यूज करना पड़ेगा इस केस में, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फिलर रॉड यूज करना पड़ भी सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग का एक्चुअल वर्किंग समझ में आ गया आपको। ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड यूज होता है एज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। दूसरा ये ध्यान देने वाली बात यह है, आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। आर्क किसमें क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के ही बीच में क्रिएट होती है। द इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूसेस हीट एंड वेल्ड कैन बी मेड विथ और विदाउट एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फिलर मटेरियल यूज कर सकते हो, फिलर रॉड यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रोड से कोई भी मेटल का सप्लाई नहीं होगा। कार्बन आर्क वेल्डिंग में भी क्लासिफाइड एज सिंगल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, जैसे हमारे वेल्डिंग में होता है एक इलेक्ट्रोड होता है और आर्क कहाँ जनरेट होती है, इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स,
इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। तो ये पहला टाइप, ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। इस केस में हम आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, यानी इलेक्ट्रोड होल्डर में ही आप दो इलेक्ट्रोड को होल्ड करोगे। सिंगल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग जो हमने पहला टाइप देखा है, दो टाइप होते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग में, पहला सिंगल इलेक्ट्रोड, दूसरा ट्विन इलेक्ट्रोड। इन सिंगल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन अ कार्बन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। ये जो जनरली आर्क वेल्डिंग में होता है, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क जनरेट होती है। वेल्डिंग में बी कैरिड आउट इन एयर और इन एन इनर्ट एटमोसफियर। वेल्डिंग सिंपल एयर में, यानी जो हमारी एटमोसफियरिक कंडीशन होती है, नेचुरल एटमोसफियरिक कंडीशन, रूम कंडीशन, वहाँ पर भी आप कर सकते हो, और इन एन इनर्ट एटमोसफियर या फिर इनर्ट गैस के एटमोसफियर में भी आप वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। अब पावर सप्लाई कौन सा यूज़ होता है? सो पावर सप्लाई यूज इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। अब इलेक्ट्रोड निगेटिव हम क्यों यूज करते हैं? जब हमने पावर सप्लाई देखा था, हमने तीन तरह के पावर सप्लाई देखे थे। फर्स्ट वन इज अ एसी अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई, सेकंड वन इज अ डीसीईपी, एंड थर्ड वन इज अ डीसीईएन। डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई में क्या होता है, पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती। जो पोलैरिटी हमने फिक्स करके रखी है, वही पोलैरिटी थ्रू आउट द प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हो या निगेटिव से कनेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट करंट में जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, या जहाँ पर भी आप पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हो, वहाँ पर 70% हीट जनरेट होती है, और जहाँ निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हो, वहाँ 30% ही हीट जनरेट होती है। तो यहाँ हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट ही क्या है कि इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रोड पे कम से कम हीट जनरेट हो, और वो किस में होती है, अगर आप इलेक्ट्रोड को निगेटिव से कनेक्ट करते हो। इसलिए हम कौन सा सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। सो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव इज प्रीफर्ड टू रेस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन गोइंग इनटू द वेल्ड मेटल। अगर आप पॉजिटिव सप्लाई इलेक्ट्रोड को दोगे तो क्या होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड डैमेज हो सकता है, और बहुत सारा कार्बन आपके वेल्ड जोन में इंसर्ट हो सकता है थ्रू द इलेक्ट्रोड, क्योंकि आप ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द टाइप ऑफ कार्बन। दिस प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर रिपेयरिंग आयरन एंड स्टील कास्टिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग गैल्वनाइज शीट एंड कॉपर। हमने कास्टिंग में भी देखा था, कार्बन स्टील के साथ अगर मिक्स होता है तो वो अलॉय फॉर्म करता है, या आयन फेरस मटेरियल के साथ अगर मिक्स होता है तो वो एडवांटेजियस ही है एक तरह से, लेकिन बाकी मेटल्स के साथ इतना मिक्स होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्टली यूज फॉर रिपेयरिंग आयरन एंड स्टील कास्टिंग और समटाइम कॉपर ऑल्सो। नाउ सेकंड टाइप, दैट इज ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल विल बी सेम, तो ओनली डिफरेंस इज दैट इन ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन टू कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस हीट एंड वेल्ड द जॉइंट। डिफरेंस क्या है, यहाँ वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही है। द आर्क
जनरेटेड बिटवीन द टू कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी निगेटिव भी कार्बन इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव भी कार्बन इलेक्ट्रोड है। तो इसमें आप निगेटिव पॉजिटिव डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड आपके कार्बन के ही बने हैं। पॉजिटिव के साथ भी उसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा और निगेटिव के साथ भी इलेक्ट्रोड ही कनेक्ट होगा। वर्कपीस तो यहाँ कनेक्ट हो ही नहीं रहा है इन बिटवीन द सर्किट। इसका मतलब यहाँ कौन से इलेक्ट्रोड पे आप पॉजिटिव सप्लाई दोगे, सोचने की बात है। द आर्क प्रोड्यूसेस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स हीट द मेटल टू द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड वेल्ड द जॉइंट आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट होगी और वही मेटल को मेल्ट करेगी। तो इस केस में वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट नहीं होने वाली है। द पावर सोर्स यूज इज अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान में आया अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम हीट जनरेट होगी और यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड आपके सप्लाई के साथ कनेक्ट है, यहाँ वर्कपीस सप्लाई के साथ कनेक्ट ही नहीं है। तो आप DCEN भी यूज़ करोगे तो एक कोई इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, TCEP भी यूज़ करोगे तो दूसरा इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा हीट होगा। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट इस केस में यूज़ करते हैं ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड के केस में, बिकॉज अल्टरनेटिंगली इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों इलेक्ट्रोड में, दैट्स वाई। तो यहाँ पर AC सप्लाई हम प्रीफर करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड में कौन सा? DCEN, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे मुझे हीट कम चाहिए और इलेक्ट्रोड निगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव अगर मैं करता हूँ तो इलेक्ट्रोड पे 30% ही हीट जनरेट होगी। द प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर जॉइनिंग कॉपर अलॉय टू ईच अदर और टू फेरस मेटल। इट कैन ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम निकेल जिंक एंड वेल्ड अलॉय लीड अलॉयज। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग। So before going for next welding method, let's have a look at a video of carbon arc welding. तो सिंगल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो दिखने में हमारे सिंपल वेल्डिंग जैसा ही होता है। दिस इज अ ट्विन इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग। सो लेट सी अ लुक। Here today is an old carbon torch. This is really old technology. It actually predates World War II. It runs on these carbon rods over here. I did make a video many years ago on this torch, but I didn't have my HD camera, so it wasn't as clear. This video is going to be a better explanation, and I'm going to show you exactly how this thing works. First of all, this torch is made by Lincoln. They're not available anymore. It's actually really good quality. It's got quite a long cable over here. I believe it's about 12 feet long. And at one end, the cable is like this. And at the other one, it's a clamp. Then you can use this with your left or right hand. You just move this little knob over here. It actually moves the two rods together. You'll see that later on in the video. And if you Google carbon arc torch, there are instructions online on how to make one of these yourself. And over here are the rods that I use for that. And they have an outer copper lining. You can get these at any welding shop usually. तो इस केस में ये ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है लेकिन इसमें आउटर कॉपर लाइनिंग बनी हुई है। Although they may be getting harder to find nowadays. And this is my Lincoln AC225 welder that I use to run the carbon torches. Before you use your carbon arc torches, you want to make the tip the rod's pointy. I use my grinder for that. Make sure you wear safety glasses while you do this, and it would not hurt pointy like this. Sometimes it is a challenge. Now, I rarely ever use these torches in my shop anymore because I do have a set of oxyacetylene torches now. But when I did use them, it was to heat up parts that I couldn't get apart, for example, nuts and bolts. You got to be careful with these rods because they do snap easily. They are brittle. So I'm going to make them as long as I can here. So the trick here is to have both rods move evenly at the end.
Once you've got it lined up properly, just retighten the screws over here. Now with your thumb, just check it out. Make absolutely sure that these don't touch each other because you're going to have some sparks and something will blow somewhere. So I'm going to leave sufficient space between both connectors. You are going to need your welding mask, and I do like to open it up if I want less. And I'm ready to try this torch out. So as you can see there, I got that piece of metal red hot. But you can see in the process that the flame is not accurate, it's all over the place. And here's what the rods look like after a bit of use. You can see the pointy end is gone. Now you can take them off and make them pointy again, or just keep using the way it is if you're busy. So you can see I went through that metal plate quite easily. The hole's not bad. तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा, आर्क कैसे जनरेट होती है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। तो जनरली हमारे सिंपल वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जब हम वर्कपीस के पास लेकर जाते हैं तभी आर्क जनरेट होती है। इस मेथड में वर्कपीस के पास लेकर जाने से पहले ही आप आर्क जनरेट कर सकते हो। सो दैट इज़ द कार्बन आर्क वेल्डिंग, हमारा पहला टाइप। ध्यान में रखना इसमें दो टाइप होते हैं, पहला सिंगल इलेक्ट्रोड, दूसरा ट्विन इलेक्ट्रोड। ट्विन इलेक्ट्रोड हमने अभी वीडियो में देखा था। नाउ लेट्स सी सेकंड टाइप, इट इज कॉल्ड एज मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इन शॉर्ट MMAW और SMAW। नाम बहुत बड़ा है लेकिन ये वेल्डिंग हमें सबसे ज़्यादा फैमिलियर है। दिस वन इज आवर सिंपल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस विच इज़ यूज इन वर्कशॉप, जिसपे हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। उसका टेक्निकल नाम क्या है, जिसे हम आर्क वेल्डिंग कहते हैं जनरली इन शॉर्ट, उसका टेक्निकल नाम क्या है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मैन्युअली किया जाने वाला मेटल आर्क वेल्डिंग। और उसे क्या कहते हैं हम, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल इसलिए बिकॉज जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं दैट इलेक्ट्रोड हैज़ अ कोटिंग ओवर इट। एक मेटल रॉड होता है सेंटर में और सराउंडिंग में उस मेटल रॉड के क्या होता है, कोटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। Shielded metal arc welding is commonly used for arc welding process manually carried out by welder, also called as manual metal arc welding। तो ये डायग्राम है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग का। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें एक पावर सोर्स रहेगा। There are two terminal in the power source for connecting one terminal with the workpiece and another terminal with the electrode. One electrode holder which holds our electrode here, power cables. One is connected with the electrode holder, another is connected with the workpiece.
एंड आर्क इज जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस बाय कीपिंग द गैप इन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस एट 2 to 4 millimeter. So let's have a look at the working and other technical parameters. So it is an arc welding process in which heat for welding is produced through an electric arc set up between a flux coated electrode and the workpiece. देखिए shielded metal arc welding है तो electrode कैसे होता है flux coated electrode. और इस प्रोसेस में भी आर्क कहाँ जनरेट होती है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस दोनों के बीच में ही आर्क जनरेट होती है. एंड आर्क क्या है आर्क वेल्डिंग में आर्क इज द सोर्स ऑफ हीट. द फ्लक्स कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड डिकम्पोजेस ड्यू टू आर्क हीट एंड सर्व मेनी फंक्शन लाइक वेल्ड मेटल प्रोटेक्शन आर्क स्टेबिलिटी एक्सेट्रा. ये फ्लक्स कोटिंग ये बहुत सारे काम में आता है. ये फ्लक्स कोटिंग यूँ ही दिया नहीं है वहाँ पर. ये जैसे ही आर्क जनरेट होती है तो आर्क के हीट के वजह से ये भी बर्न होता है एंड आफ्टर बर्निंग इट सर्व्स मेनी पर्पजेस. बहुत सारे काम में आता है वो मेटल को प्रोटेक्ट करता है आर्क को स्टेबल रखता है आर्क को इधर उधर हिलने नहीं देता है. ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कोटिंग करता है. नाउ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रोड सप्लाई द फिलर मटेरियल. ये इलेक्ट्रोड कैसा है कंज्यूमेबल हमेशा ध्यान में रखना. दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं. इससे पहले वाली दैट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड था वो नॉन कंज्यूमेबल था. ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रोड खुद मेल्ट होता है और वेल्डिंग प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा मेटल का सप्लाई भी करता है. सो इनर कोर यानी बाहर तो कोटिंग होता है लेकिन अंदर क्या होता है मेटल. तो इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रोड सप्लाई द फिलर मटेरियल फॉर मेकिंग अ वेल्ड इफ द पैरेंट मेटल इज थिक इट मे बी नेसेसरी टू मेक 2 or 3 passes फॉर कंप्लीटिंग द वेल्ड. आपको जितने थिकनेस का वेल्ड चाहिए उतने बार आपको वेल्डिंग रॉड को मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ेगा ताकि उतने थिकनेस का वेल्ड जनरेट हो सके. तो वो एक बार में हो सकता है अगर थिकनेस कम है लेकिन मल्टीपल बार आपको उसे पास करना पड़ेगा अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा है वेल्डिंग मेटल की. सो दिस इज हाउ इट हैपन्स. इलेक्ट्रोड देखिए इलेक्ट्रोड में आप दो लेयर इजीली देख सकते हो. ये आउटर क्या है आपका फ्लक्स कोटिंग और जो इनर है दैट इज नथिंग बट द मेटल. तो फ्लक्स कोटिंग यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ कोटिंग दिस इज अ मेटल कोर. गैस शील्ड शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. ये शील्ड कैसे जनरेट होती है व्हेन दिस इलेक्ट्रोड बर्न इन द आर्क इट जनरेट अ गैसियस एटमॉस्फियर. वो बर्न होने के बाद एक एटमॉस्फियर जनरेट करता है उसके सराउंडिंग में और ये गैसियस एटमॉस्फेयर एज अ शील्ड एक्ट होता है. जहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है वो मेटल वहाँ पर मोल्टन स्टेट में. तो मोल्टन स्टेट में हमें हमेशा पता है हमने कास्टिंग पढ़ा है कि मोल्टन स्टेट में मेटल बहुत अनस्टेबल होता है. इट रेडिली रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इनटू द एयर और ऑक्साइड और नाइट्राइड्स फॉर्म हो सकते हैं विच आर नॉन मेटेलिक. तो इसके वजह से हम जनरली क्या प्रिफर करते हैं कि एटमॉस्फेयर से मोल्टन मेटल जितना हो सके दूर रहे. तो ये जो फ्लक्स होता है आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूसेस अ गैसियस शील्ड. जनरली CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड. वो गैसियस शील्ड क्या करता है एटमॉस्फेयर के एयर को वेल्डिंग जोन में आने से रोकता है. वो गैसियस एटमॉस्फेयर खुद का एक शील्ड फॉर्म करता है सराउंडिंग द वेल्डिंग जोन. ड्रॉप ऑफ मेटल बीइंग डिपॉजिटेड
हमने मेटल ट्रांसफ़र में देखा था, इलेक्ट्रोड से मेटल धीरे धीरे वेल्डिंग जोन में ट्रांसफ़र होता है, जिसे वेल्ड पूल कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो ड्रॉप ऑफ मेटल बीइंग डिपॉजिटेड इनटू द वेल्ड पूल, सो दिस इज इन जनरल वर्किंग ऑफ मैनुअल मेटल और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये आर्क है आपका, आर्क के थ्रू ही मेटल कैसे होता है, ट्रांसफ़र होता है। स्लैग देखिए, ये भी दूसरा काम है शील्ड का, जो कोटिंग होता है फ्लक्स का, उसका दूसरा काम ये भी है। पहला तो है गैसियस शील्ड जनरेट करना, जो ऑक्सीडेशन से बचाता है वेल्ड जोन को। दूसरा है उसमें से कुछ पोर्शन बर्न होके गैस फॉर्म करता है, उस कुछ पोर्शन मेल्ट होने के बाद जो सॉलिडिफाई होने वाला मेटल होता है, जैसे ही इलेक्ट्रोड आगे की तरफ बढ़ेगा, आपका पीछे जो वेल्ड मोल्टन मेटल है वो सॉलिडिफाई होकर आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है, जैसे सॉलिडिफिकेशन होता है, तो उस मेटल के ऊपर ये स्लैग जनरेट करता है। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज़ द वेल्डिंग मेटल जो सॉलिडिफाई हो चुका है, उसके ऊपर एक थीन लेयर आप देख सकते हो यहाँ पर। दिस लेयर इज नथिंग बट मोल्टन पार्ट ऑफ स्लैग। स्लैग मेल्ट होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है मेटल के ऊपर, और वो उस मेटल को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करता है, एक कोटिंग फॉर्म कर देता है ऊपर की तरफ से, जो एटमॉस्फेयर से मेटल को दूर रखता है। ये कोटिंग ही बाद में आप क्या करते हो, हैमर से ब्रेक करके रिमूव करते हो, और अंदर आपको क्या मिलता है, क्लीन मेटल। तो ये सॉलिडिफाइंग मेटल को भी एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कौन, मोल्टन स्लैग। कुछ स्लैग बर्न हो जाता है या कुछ फ्लक्स बर्न हो जाता है और वो प्रोटेक्टिंग गैसेस तैयार करता है, और बचा हुआ फ्लक्स मेल्ट होकर स्लैग फॉर्म करता है और सॉलिडिफाइंग मेटल को प्रोटेक्ट करता है, सॉलिडिफाइंग वेल्ड मेटल, और उसके ऊपर स्लैग की कोटिंग आपकी फॉर्म हो जाती है। दिस इज मोल्टन मेटल। तो मोल्टन मेटल को कैसे शील्ड प्रोटेक्ट करता है, जो फ्लक्स से ही जनरेट होता है, और सॉलिडिफाइंग मेटल को स्लैग प्रोटेक्ट करता है, जो भी फ्लक्स से ही जनरेट होता है। तो फ्लक्स के बहुत सारे काम हैं, इट प्रोटेक्ट द वेल्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एज वेल एज इट इज़ यूज टू स्टेबलाइज द आर्क। नाउ व्हाट आर द जनरल एडवांटेज ऑफ मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। पहला एडवांटेज है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन एनी पोजिशन, किसी भी पोजीशन में। सो कैरिड आउट इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में हम इसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, किसी भी पोजीशन में आप इसे कर सकते हो। इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द वेल्डिंग प्रोसेसेस, सबसे सिंपल प्रोसेस है, जितने भी बहुत सारे वेल्डिंग के टाइप्स है, इन सारे प्रोसेस में सबसे सिंपल प्रोसेस है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। द वेल्डिंग प्रोसेस फाइंड्स लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इस प्रोसेस के लिए बहुत टाइप्स में आते हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज अवेलेबल ऑफ वेरिंग डायमीटर, बहुत सारे डायमीटर, साइजेस, लेंथ, मटेरियल इवन, और बहुत सारी अलग अलग कोटिंग के साथ इलेक्ट्रोड आते हैं। तो जितनी वेराइटी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स की अवेलेबल है, उतनी वेराइटी किसी और प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये एक एडवांटेज है। बिग रेंज ऑफ मेटल्स एंड देयर अलॉयज कैन बी वेल्डेड इजीली, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स में मटेरियल इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, तो आप उतने सारे मटेरियल्स को वेल्ड कर सकते हो। जैसे आपको स्टील को वेल्ड करना है तो स्टील की इलेक्ट्रोड है, कॉपर को वेल्ड करना है तो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, स्टील में भी अलग अलग आयरन को, माइल्ड स्टील को वेल्ड करना है तो माइल्ड स्टील की इलेक्ट्रोड अवेलेबल है,
तो जो भी मेटल आपको वेल्ड करना है उसके इलेक्ट्रोड अवेलेबल होते हैं। द MMAW वेल्डिंग इक्विपमेंट इज पोर्टेबल एंड द कॉस्ट इज फेयरली लो। आपने वेल्डिंग मशीन देखा है वर्कशॉप में, वो बहुत छोटा वेल्डिंग मशीन होता है, उससे भी छोटे वेल्डिंग मशीन आते हैं जो आप इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। तो ये पोर्टेबल मशीन होता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की जो मशीन आती है उसका कॉस्ट कम होता है। नाउ लिमिटेशंस, देर आर लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेज दो देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। ड्यू टू फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड द चांस ऑफ स्लैग एंट्रैपमेंट एंड अदर रिलेटेड डिफेक्ट्स आर मोर। देखिए, फ्लक्स का काम है एटमॉस्फेयर से सॉलिडिफाइंग मेटल को प्रोटेक्ट करना, लेकिन फ्लक्स जब स्लैग में कन्वर्ट होता है मेल्ट होने के बाद, तो हो सकता है कि स्लैग का कुछ पार्ट सॉलिडिफाइंग मेटल के अंदर चला जाए और सॉलिडिफाई होते वक्त वो वहीं पर रहेगा। सो दैट इज़ द नॉन मेटल इंक्लूजन इनटू द मेटल, जिसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। नॉन मेटल और मेटल कभी एक साथ नहीं आने चाहिए सॉलिडिफाई होने के वक्त। जब वो ऊपर की तरफ प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म करता है इट इज़ ओके देन, लेकिन अगर वो मेटल के अंदर सॉलिडिफाई होता है तो उस समय वो डिफेक्ट जनरेट करेगा। तो कभी कभी ये पॉसिबल होता है इस तरह के वेल्डिंग में। दैट इज़ द वन लिमिटेशन कि एंट्रैपमेंट नहीं होना चाहिए। ड्यू टू फ्यूम्स एंड पार्टिकल्स ऑफ स्लैग द आर्क एंड मेटल ट्रांसफर इज नॉट वेरी क्लियर एंड दस वेल्डिंग कंट्रोल इन दिस प्रोसेस इज डिफ़िकल्ट। ये प्रोसेस आपने खुद किया है तो आपको पता है कि फ्लक्स जो कोटिंग होता है ऊपर का यानी फ्लक्स, वो जब बर्न होता है तो वो गैस जनरेट करता है। दिस गैस इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड जोन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लेकिन उसी वक्त ये गैस जो प्रोटेक्शन का काम करती है दैट ऑल्सो ब्लर द विजन। अपने क्लियरली आप वेल्ड पॉइंट को देख नहीं सकते हो बिकॉज देयर इज अ सराउंडिंग गैस जो फ्लक्स के बर्निंग से फॉर्म हो चुकी है, तो आप क्लियरली वेल्ड को देख नहीं सकते हो। अगर देख नहीं सकते हो तो एक्यूरेट कंट्रोल नहीं कर सकते आप वेल्डिंग को कि वेल्डिंग कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये एक्यूरेटली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि विजन आपकी ब्लर हो चुकी है बिकॉज ऑफ द दैट सराउंडिंग गैस। नाउ व्हाट आर द जनरल एप्लीकेशंस। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज यूज both as a fabrication process and for maintenance and repair job. पुराने parts को repair और maintain करने के लिए भी use होता है और नए parts बनाने के लिए भी use होता है। आपने देखा है ये welding से बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो ये generally fabrication में तो बहुत कम use होता है, लेकिन most of the time ये use होता है maintenance और repair job के लिए। नाउ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इन्ग्रीडियंट। हमने जनरल फंक्शन तो पहले ही देख चुके हैं, इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड जोन फ्रॉम एटमोसफियर एंड ऑल्सो फॉर स्टेबिलाइजिंग द आर्क। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्लैग फॉर्मिंग इन्ग्रीडियंट्स लाइक सिलिका ऑफ मैग्नेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन ऑक्साइड, चाइना क्ले, माइका एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोड के कोटिंग में क्या होता है, वो होते हैं स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट। कोटिंग में बहुत सारी चीज़ें हो, इनका सबका मिक्सचर होता है वो। तो स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, वो होती है सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम हो सकता है, आयरन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, चाइना क्ले, चाइना क्ले जिससे आपकी कटलरीज बनती है, माइका एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट है। स्लैग मतलब फिर से बताता हूँ, सॉलिडिफाइंग मेटल के ऊपर जो सॉलिड लेयर
नॉन मेटेलिक लेयर फॉर्म हो जाती है और सॉलिडिफाई होती है, वो एटमॉस्फेयर से सॉलिडिफाइंग मेटल को प्रोटेक्ट करती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज स्लैग. प्रोड्यूसेस अ स्लैग विच बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द मोल्टन मेटल. स्लैग का काम क्या है, मोल्टन मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म करना एंड प्रोटेक्ट द सेम, सेम यानी मोल्टन मेटल को, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन. एटमॉस्फेयर से उसमें कोई भी कंटेमिनेशन होने से रोकता है. सो दैट इज द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ स्लैग. सेकंड वन, टू इंक्रीज द आर्क स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. आर्क को स्टेबल रखने का काम करता है बाई यूजिंग अ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन मतलब गेटिंग सेपरेटेड इंटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. इसी आयोनाइजेशन के वजह से आर्क के बीच में जो एयर होती है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है. प्लाज्मा इज नथिंग बट अ आयोनाइज एयर. एयर के पॉजिटिव और निगेटिव आयन जब सेपरेट हो जाते हैं तो उस तरह के एयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा. तो आर्क को स्टेबल रखने के लिए स्लैग में, सॉरी फ्लक्स में क्या डाला जाता है, लो आयोनाइजेशन एलिमेंट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, जिसकी वजह से आपकी आर्क स्ट्रेट रहती है, स्टेबल रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है. टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव शील्डिंग गैस एनवायरमेंट टू द आर्क जोन एंड वेल्ड पूल. तीसरा क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करना, एक गैस का शील्ड प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ इनएक्टिव गैसेस. लेकिन ये इस जोन में एक्टिव गैसेस नहीं होनी चाहिए. कैसे गैसेस होने चाहिए, इनएक्टिव, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो. नहीं तो पता चला जो आपने प्रोटेक्टिंग शील्ड जनरेट किया गैस का, वही खुद रिएक्ट हो रहा है मेटल के साथ. सो दैट विल बी द मोर डिसएडवांटेजेस. तो गैसेस, इनएक्टिव गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन कोटिंग. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोजेक्ट करने के लिए आप कोटिंग में या शील्ड में क्या डाल सकते हो, एज अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मिक्स कर सकते हो आप उस कोटिंग में, सेल्यूलोज, चारकोल, कॉटन, स्टार्च, वुड फ्लोर, ये सारी चीज़ें आप उसमें डालोगे ताकि ये बर्न होने के बाद क्या जनरेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो. नेक्स्ट वन, कंट्रोल्ड अलॉयिंग ऑफ द वेल्ड मेटल. देखो अब मुझे स्टील की वेल्डिंग करनी है, लेकिन मुझे स्टील में कुछ प्रॉपर्टी भी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए जो बेस मेटल में नहीं है. तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में दूसरे मेटल उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि अलॉय फॉर्मेशन हो. और जब अलॉय फॉर्मेशन होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी. सबको पता है प्योर मेटल और अलॉयज के प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस होता है. तो अलॉय फॉर्म करने के लिए आपको कुछ एडेड मेटल या नॉन मेटल उसमें एक्सटर्नली डालना पड़ेगा. तो वो काम भी कोटिंग कर सकता है. आप कोटिंग में वो एलिमेंट डाल दो और वेल्डिंग के वक्त वो एलिमेंट किस में चले जाएंगे, वेल्ड जोन में चले जाएंगे या वेल्ड पूल में मिक्स हो जाएंगे एंड यू गेट द अलॉइंग एलिमेंट एडेड इन टू द वेल्ड मेटल, वेल्डिंग मेटल. तो आप अलॉय फॉर्मेशन का काम भी कोटिंग से कर सकते हो. कोटिंग में वो एलिमेंट आप पहले से रख दो. सो कंट्रोल्ड अलॉइंग ऑफ वेल्ड मेटल टू अचीव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. ये आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर रिक्वायरमेंट है. आपके वेल्ड मेटल में आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए, इस पर डिपेंड होता है कि आप कौन से मेटल उसमें ऐड करना चाहोगे. कैन बी डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रोड कोटिंग. इलेक्ट्रोड कोटिंग में आप डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट मिक्स कर दो ऊपर के तीन एलिमेंट के साथ, तो वो आपका अलॉइंग का काम भी हो जाएगा इलेक्ट्रोड से ही या कोटिंग से ही. एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग दीज एलिमेंट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोटिंग टू वेल्ड पूल. ये एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ये बर्न नहीं होंगे, ये मेटल्स है तो बर्न नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे,
ये स्लैग में नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉन मेटल नहीं है, ये ऊपर फ्लोट नहीं होंगे, ये बर्न नहीं होंगे, तो इनका प्रोटेक्टिव शील्ड भी फॉर्म नहीं होगा। तो ये एलिमेंट डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, वेल्ड पूल में चले जाएंगे और वेल्ड वेल्डिंग मेटल के साथ मिक्स हो जाएंगे और अलॉय फॉर्म करेंगे। टू डी ऑक्सीडाइज वेल्ड मेटल एंड क्लीन द वेल्ड मेटल, तीसरा फंक्शन है कोटिंग का। तीसरा फंक्शन क्या है, डी ऑक्सीडाइजेशन करना वेल्ड मेटल को और उसे क्लीन भी करना। मेटल ऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वेल्ड मेटल आर रिमूव्ड बाय डी ऑक्सीडाइजेशन एंड स्लैग फॉर्मेशन। फॉर दिस पर्पज डी ऑक्सीडाइजर लाइक फेरो NM, दैट इज फेरस मैग्नीशियम अलॉय, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर फ्रिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इन द कोटिंग मटेरियल। इनका काम क्या है, जो एंटीऑक्सीडाइज, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हम बॉडी में, ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी में डालते हैं ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोका जाए, उसी तरह से एंटीऑक्साइड हम यूज़ करते हैं कोटिंग में ताकि कोई भी ऑक्सीडेशन को हम रोके। तो ये भी ये प्रोटेक्शन का ही काम है, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्शन काम। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोड के पास फंक्शन है, पहला तो है स्लैग फॉर्मेशन, दूसरा है आर्क स्टेबिलिटी, नेक्स्ट वन इज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, अलॉइंग एलिमेंट और तीसरा है डी ऑक्सीडाइजेशन एलिमेंट। तो ये फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग मेथड टाइप इज अ इम्पॉर्टेंट वन, ये बहुत बार पूछा जाता है, इट इज़ अ मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इन शॉर्ट बहुत पॉपुलरली इसे MIG कहते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और GMAW। हमने यहाँ पर इसे और में ज़रूर लिखा है, बट बेसिकली दिस टू आर डिफरेंट वेल्डिंग। MIG में जनरली क्या होता है, इनर्ट गैस हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड जोन फ्रॉम एटमॉस्फियर। इससे पहले मेथड में हम क्या करते थे, हम फ्लक्स कोटिंग यूज़ करते थे, जो फ्लक्स कोटिंग बर्न होने के बाद एक शील्डिंग जोन जनरेट करता था गैस का सराउंडिंग द वेल्डिंग जोन। लेकिन इस केस में हम सेपरेट इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं अराउंड द वेल्ड जोन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेस, उसे कहते हैं MIG, मेटल इनर्ट गैस, उसके नाम में ही इनर्ट गैस है। लेकिन अगर आप इनर्ट गैस के जगह पे दूसरा कोई गैस यूज़ करते हो, प्रोसेस MIG और GMAW दोनों सेम है, MIG में इनर्ट गैस यूज़ होता है, GMAW में इनर्ट गैस के जगह पे कोई दूसरा गैस यूज़ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट ए इनर्ट गैस, बस कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज़ करोगे तो उसे कहेंगे हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, अगर इनर्ट गैस यूज़ करोगे तो उसे कहेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग वेल्ड बाय मेल्टिंग सरफेस ऑफ द बेस मेटल यूजिंग हीट प्रोड्यूस बाय अ वेल्डिंग आर्क एस्टेब्लिश बिटवीन बेस मेटल एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ तक तो एग्जैक्टली सेम है इसके पहले की जो सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस है और इस वेल्डिंग प्रोसेस में, यहाँ पर भी हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, आर्क कहाँ जनरेट हो रही है, इन बिटवीन द वर्क एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यहाँ तक एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। वेल्डिंग आर्क एंड वेल्ड पूल आर वेल प्रोटेक्टेड बाय अ जेट ऑफ शील्डिंग इन एक्टिव गैस कमिंग आउट ऑफ नोजल एंड फॉर्मिंग अ एनवलप अराउंड द आर्क एंड वेल्ड। एक वेल्डिंग आर्क और वेल्ड पूल, इन दोनों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, बाय अ जेट ऑफ शील्डिंग इनएक्टिव गैस। एक जेट होता है यानी फोर्स, एक प्रेशर के साथ हम इनर्ट गैस को वहाँ पर भेजते हैं
ताकि वो इनर्ट गैस वेल्ड जोन के सराउंडिंग में क्या बनाए, एक प्रोटेक्टिंग एनवलप बनाए. सो दैट प्रोटेक्टिंग एनवलप सेपरेट द वेल्ड जोन फ्रॉम एटमॉस्फियर. तो ये डायग्राम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का. देखिए यहाँ पर भी एक पावर सोर्स होता है, यहाँ पर आप पावर सोर्स दे सकते हो. यहाँ डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो वेल्डिंग टॉर्च में देखने को मिलेगा. इलेक्ट्रोड होल्ड करने का जो टॉर्च है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कंपेयर टू द अदर मेथड. क्या क्या है देखते हैं हम. पहले तो है वेल्डिंग स्पूल. अब बाकी मेथड्स और इस मेथड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जनरली हम इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं वो रॉड शेप में होता है. जब हमने कार्बन आर्क वेल्डिंग देखा था, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग देखा था, दोनों मेथड में इलेक्ट्रोड जो था वो कैसे था, रॉड शेप में. लेकिन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड जो होता है वो वायर शेप में होता है. और ये वायर एक स्पूल के अराउंड पूरी तरह से वाउंड होता है, वाउंड किया जाता है. और जहाँ आप देख रहे हो ये एक स्पूल है. स्पूल मतलब पतंग उड़ाते वक्त आपने चकरी देखी होगी, उसी तरह की चकरी होती है लेकिन लार्ज साइज़ की होती है. उसके सराउंडिंग में वायर को वाउंड किया रहता है और यहाँ से आपका वायर कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहता है क्योंकि ये कंज्यूमेबल है तो मेल्ट होते रहेगा. जैसे ही मेल्ट होगा वैसे ये वायर से कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहेगा. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. आपको किसी भी वेल्डिंग मशीन के साथ अगर इस तरह का एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर फॉर्म में दिखता है तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि वो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है. दैट इज़ द मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग. तो इस पूल से वायर कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहता है. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. यहाँ वायर फॉर्म में इलेक्ट्रोड होता है, नॉट द रॉड फॉर्म. दूसरा है बी, यह है शील्डिंग गैस सिलेंडर. तो इस सिलेंडर से शील्डिंग गैस का सप्लाई होता है किसे, अगेन वेल्डिंग टॉर्च को. तो वेल्डिंग टॉर्च में वायर भी रहेगा जो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ सप्लाई हो रहा है और उसके सराउंडिंग में एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप होता है उसका. सेंटर में वायर रहेगा और सराउंडिंग में क्या रहेगा, शील्डिंग गैस के लिए पैसेज रहेगा, हॉलो पैसेज. सो दिस वन इज़ द वेल्डिंग टॉर्च जो सी से शो किया गया है. उसे वायर भी कंटिन्यूसली सप्लाई होता है और शील्डिंग गैस सिलेंडर से शील्डिंग गैस भी कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहता है. बी इज़ अ बेस प्लेट जिसके ऊपर आपका वर्क पीस रखा जाता है. ई इज़ अ वेल्डिंग पावर सोर्स. ये वेल्डिंग मशीन है. वेल्डिंग पावर सोर्स मतलब वेल्डिंग मशीन है. एफ इज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो वायर फॉर्म में है. जी इज अ आर्क एंड एच इज अ गैस शील्ड. तो इस पोर्शन में आप देख सकते हो जी इज अ आर्क, ये आपकी आर्क है और ये सराउंडिंग में जो आपको डॉटेड पोर्शन दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द शील्डिंग गैस जो एक प्रेशर के साथ सप्लाई किया जाता है गैस सिलेंडर से. आई इज़ अ फीड रोलर. फीड रोलर मतलब दो रोलर होते हैं जो इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में होते हैं और वो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं. इसी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रोड स्पूल से खींच कर कहाँ सप्लाई किया जाता है, टॉर्च में सप्लाई किया जाता है. तो रोलर, फीड रोलर का काम है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोड को सप्लाई करते रहना. सो दैट इज द जनरलाइज्ड डायग्राम ऑफ मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, सभी कंपोनेंट के नाम ध्यान में रखने हैं, उसका वर्किंग ध्यान में रखना है.
तो ये वही डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन दिया गया है कि वायर स्पूल किस तरह से रोटेट होता है, फीड रोलर किस तरह से रोटेट होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है फीड रोलर, और इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली यहाँ सप्लाई होता रहता है। आर्क जनरेट होगी, सेंटर से इलेक्ट्रोड सप्लाई होगा, वेल्डिंग टॉर्च किस तरह से होता है, हॉलो होता है, सेंटर से इलेक्ट्रोड वेल्डिंग रॉड ऐसे सेंटर से सप्लाई होगा जो आर्क जनरेट करने का काम करता है, और वो जो हॉलो पोर्शन है वहाँ से सप्लाई होगा आपका इनर्ट गैस सप्लाई होगा, और इनर्ट गैस पूरे वेल्डिंग जोन के सराउंडिंग में क्या जनरेट करेगा, एक प्रोटेक्टिव जोन जनरेट करेगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन MIG और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज GMAW। MIG और GMA में क्या डिफरेंस है, MIG में इनर्ट गैस ही यूज़ होता है, GMAW में नॉन इनर्ट गैस भी यूज़ हो सकता है। मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग और मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यूटिलाइज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट्स तो ये है कि इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है। द मेटल इलेक्ट्रोड इज फेड विथ अ स्मॉल एडजस्टेबल स्पीड मोटर। एक एडजस्टेबल स्पीड मोटर से जो फीड रोलर को कंट्रोल करती है उससे मेटल इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहता है। एडजस्टेबल स्पीड इसलिए क्योंकि कभी आपको बहुत हाई क्वांटिटी में मेटल लगेगा उस समय आप स्पीड बढ़ा सकते हो, कभी लो क्वांटिटी में मेटल लगेगा तो आप स्पीड को रिड्यूस कर सकते हो। शील्डिंग गैस सच एज आर्गन, हेलियम, CO2 एंड देयर मिक्सचर आर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्डिंग पूल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर आप आर्गन हेलियम यूज़ करते हो तो ये इनर्ट गैस है तो इसे हम MIG कहेंगे, अगर CO2 यूज़ करते हो तो ये इनर्ट गैस नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैसेस आर नॉर्मली यूज फॉर रिएक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जैसे आर्गन और हीलियम कहाँ यूज़ होते हैं, जो बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ इजीली रिएक्ट हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एंड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टील। तो डिपेंड अपॉन हाउ रिएक्टिव इज द मेटल यू कैन चूज वेदर टू यूज इनर गैस और टू यूज सिंपल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इन MIG आर्क इज एस्टेब्लिश बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल, जैसे सिंपल वेल्डिंग में होता है वैसे ही इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के साथ ही आर्क जनरेट होती है। द फीडिंग इलेक्ट्रोड गेट्स मेल्ट एंड डिपॉजिट्स ऑन बेस मेटल। जो कंटिन्यूसली आप इलेक्ट्रोड वायर फॉर्म में फीड कर रहे हो वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद बेस मेटल के ऊपर डिपॉजिट होता है वेल्डिंग जनरेट करने के लिए। द इलेक्ट्रोड इज माउंटेड सेंट्रली इन अ नोजल शेप हुड थ्रू विच एन इनर्ट गैस इज पास। आपने अभी डायग्राम देखी है, नोजल शेप हुड के सेंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोड, और सराउंडिंग से क्या पास होता है, इनर्ट गैस। डायरेक्ट करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 to 900 amperes is used for most of the thicknesses. So depending upon thickness, कम thickness के लिए 500 ampere, बहुत ज़्यादा thickness है तो 900 amperes direct current use होता है। तो यहाँ power supply कौन सा होता है, direct current power supply। तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रोड का spool होता है, दिस इज द स्पूल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आप देख सकते हो वायर्ड इलेक्ट्रोड है और ये इस तरह के स्पूल के ऊपर वाउंड किया जाता है और धीरे 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 कहाँ सप्लाई होता है, टॉर्च से सेंटर से सप्लाई होता है। मेटल वायर फीड थ्रू द गन बाय द वायर फीडर मेजर्ड बाय डायमीटर। तो अलग अलग डायमीटर की वायर आती है। Advantages over
शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब MIG और GMAW के एडवांटेजेस क्या है और ये किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? शील्डेड मेटल जो हमारा सिंपल आर्क वेल्डिंग होता है जो वर्कशॉप में परफॉर्म करते हैं उसके कंपेरेटिवली क्या एडवांटेजेस है? बेटर आर्क टाइम बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वायर इलेक्ट्रोड। अब बेटर आर्क टाइम क्यों? देखिए जब आप मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग करते हो उस समय डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सरफेस, जो वर्क सरफेस और इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है, ये कौन डिसाइड करता है? जिसके हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैनुअल मेटल वर्किंग है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस डिपेंड्स अपॉन द वेल्डर और ये हमेशा वेरिएबल होता रहेगा। तो आर्क टाइम अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस ऊपर उठ जाता है तो आर्क क्या हो जाएगी? आर्क डिस्टिंग्विश हो जाएगी, एस्टिंग्विश हो जाएगी। तो मतलब आर्क टाइम इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन स्किल ऑफ वेल्डर। लेकिन MIG में क्या होता है? इलेक्ट्रोड तो ऑटोमेटिकली फीड होता है, MIG इज अ फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस, इसमें कहीं पर भी वेल्डर का काम नहीं पड़ता है। वेल्डर का काम बस दूर से देखना है, उसे वेल्डर भी नहीं कहते, ऑपरेटर कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, दैट्स वाई इट्स कंप्लीटली कंट्रोलेबल आर्क टाइम। क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आर्क टाइम ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल है, ये वेल्डर के ऊपर डिपेंड नहीं है। स्टिक मस्ट बी पीरियोडिकली चेंज इन SMAW। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है और उसका कंटिन्यूस सप्लाई शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हो सकता है क्या? वो इलेक्ट्रोड की एक फिक्स लेंथ है, वो लेंथ जैसे ही खत्म हो जाएगी आपको वेल्डिंग का काम बंद करना पड़ेगा, उस रॉड को रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप वेल्डिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन MIG में क्योंकि बहुत लार्ज लेंथ का इलेक्ट्रोड होता है तो ये वर्क कंटिन्यूसली चलते रहता है, आपको फ्रिक्वेंट चेंज नहीं करनी पड़ती है इलेक्ट्रोड को। बेटर यूज ऑफ इलेक्ट्रोड फिलर मेटल देन SMAW। फिलर इलेक्ट्रोड का बेटर यूज होता है, क्यों? एंड ऑफ स्टिक कैन नॉट बी यूज इन SMAW। आपने अगर वेल्डिंग किया है तो आपको पता होगा कि कुछ पोर्शन जो होता है इलेक्ट्रोड का वो हमें फेंक देना पड़ता है, वहाँ पर मेटल होता है लेकिन वो पोर्शन हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उतना मेटल वेस्ट होता है। लेकिन MIG में बहुत ही कम मेटल वेल्ट होता है क्योंकि ये लॉन्ग वायर है, और अगर सपोज आपके इलेक्ट्रोड की लेंथ है सिंपल वेल्डिंग में 1 मीटर का इलेक्ट्रोड है, बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज 1 फीट का इलेक्ट्रोड है, तो 1 फीट में आपका 2 इंच का इलेक्ट्रोड वेस्ट हो जाता है। लेकिन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का लेंथ होता है मीटर्स में, 100 मीटर्स या 500 मीटर्स, और उसमें से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रोड वेस्ट होगा? सपोज 1 मीटर भी इलेक्ट्रोड वेस्ट होता है तो 500 मीटर में 1 मीटर इलेक्ट्रोड, इट इज़ अ वेरी लेस वेस्टेज। लेकिन 1 फीट में 2 इंचेस वेस्टेज, इट इज़ अ ह्यूज वेस्टेज। तो यहाँ वेस्टेज कम होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में कंपेयर टू सिंपल वेल्डिंग, दैट इज शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। हायर डिपोजिशन रेट, क्योंकि मेटल वायर की थिकनेस कम होती है और कंटिन्यूसली फीडिंग होता है, ऑटोमेटिक फीडिंग होता है, तो डिपोजिशन रेट बहुत हाई होता है। एलिमिनेट्स प्रॉब्लम ऑफ स्लैग रिमूवल। सिंपल मेटल वेल्डिंग में स्लैग आपके पूरे वेल्डिंग जोन के ऊपर फॉर्म होता है और बाद में आपको हैमर से उसे रिमूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप कोई भी शील्डिंग कोटिंग यूज़ नहीं कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ कोटेड इलेक्ट्रोड। शील्डिंग का काम तो आपका इनर्ट गैस कर रहा है, तो यहाँ कोई भी स्लैग जनरेट नहीं होती, डायरेक्टली क्लीन वेल्ड आपको दिखाई देता है, आपको हैमर की ज़रूरत नहीं है, वायर ब्रश की ज़रूरत नहीं है वेल्ड को क्लीन करने के लिए, सो दैट इज़ द मेजर एडवांटेज। कैन बी रेडीली ऑटोमेटेड,
मोस्ट ऑफ द जगह पर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस है. नाउ लिमिटेशन, इतने सारे एडवांटेज के साथ कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. तो यमआईजी के लिमिटेशंस क्या है? कॉस्टली देन शील्डेड मीटर आर्क वेल्डिंग. पहला लिमिटेशन है इक्विपमेंट कॉस्टली आते हैं. नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल लाइक लीड टिन जिंक. लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है. नॉट सुटेबल फॉर थीन शीट्स. बहुत ज़्यादा थीन शीट को आप वेल्ड नहीं कर सकते हो. सो दीज आर द लिमिटेशन. नाउ नेक्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू सी टूडे दैट इज द टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और TIG. इसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, दैट इज GTAW. वो आपको नाम में सिमिलैरिटी देख रही होगी. मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग नाम में तो सिमिलैरिटी देख रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है इट इज ऑफ एनी मेटल. वो इलेक्ट्रोड डिपेंड करता है आप वेल्डिंग किस मेटल का कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इलेक्ट्रोड का मेटल होता है. बट इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड विथ टंगस्टन. बाकी प्रोसेस मोस्ट ऑफ द सेम होता है. दोनों इनर्ट गैस वेल्डिंग है. इनर्ट गैस दोनों में यूज होता है फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड जोन. बट द मेजर डिफरेंस इज दैट एज टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इट इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. व्हाइल इन MIG द इलेक्ट्रोड इज कंज्यूमेबल. तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेल्डिंग में. अदरवाइज बोथ यूजेस इनर्ट गैस फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड जोन. टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज नेम्ड सो बिकॉज इट यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्राइमरीली मेड ऑफ टंगस्टन एंड इनर्ट गैस फॉर शील्डिंग द वेल्ड पूल टू प्रिवेंट इट्स कंटेमिनेशन फ्रॉम एटमोस्फेरिक गैसेज एस्पेशली वेन जॉइन high strength reactive metals and alloys such as stainless steel, aluminium, magnesium alloys wherever high quality weld joint need to be developed for critical application like nuclear reactor and aircraft etc. So TIG is give more quality weld than MIG. जनरली बहुत क्रिटिकल जगह पर इसके यूज़ किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के वेल्डिंग में, एयरक्राफ्ट के वेल्डिंग में. तो इसमें डिफरेंस क्या है जो आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, वो क्या है? इनर्ट गैस तो इसमें भी यूज़ होता है फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड मटेरियल और वेल्ड जोन. लेकिन इलेक्ट्रोड कैसे होता है? इलेक्ट्रोड इज़ अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है. तो आपको डायग्राम में ही डिफरेंस दिख रहा है. इस बार कोई भी कंटिन्यूस सप्लाई इलेक्ट्रोड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो आपका मेल्ट होगा ही नहीं. इट इज़ मेड विद द टंगस्टन. सो इट इज़ द इलेक्ट्रोड होल्डर. यहाँ आपको इलेक्ट्रोड होल्डर देख सकते हो जिसमें हॉलो टॉर्च ज़रूर है, लेकिन हॉलो टॉर्च में इलेक्ट्रोड का सप्लाई करने वाला पार्ट नहीं है जो आपने मेटल इनर्ट गैस में देखा था. सो इट इज़ अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड. द आर्क इज जनरेटेड अगेन बिटवीन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड. यहां कोई डिफरेंस नहीं है. शील्डिंग गैस आर्क के सराउंडिंग में और वेल्डिंग जोन के सराउंडिंग में शील्डिंग गैस रहेगा, जिसका सप्लाई टॉर्च के सराउंडिंग पोर्शन से होगा. सेंटर में इलेक्ट्रोड रहेगा और सराउंडिंग से शील्डिंग गैस.
वेल्डिंग पावर सोर्स और गैस सप्लाई, इसमें इनर्ट गैस भी हो सकता है, उसे TIG कहेंगे, या इसमें दूसरा कोई भी गैस हो सकता है जैसे CO2, तो उसमें क्या कहेंगे, GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहेंगे। तो कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं TIG या GTAW के। इट यूजेस नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड एन इनर्ट गैस फॉर आर्क शील्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वॉट, 3410 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोड जनरली मेल्ट नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेल्डिंग टॉर्च एट द सेंटर ऑफ व्हिच इज अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। एक हॉलो वेल्डिंग टॉर्च होता है जिसके सेंटर में टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा और सराउंडिंग से एक पैसेज होगा जिससे इनर्ट गैस आप सप्लाई कर सकते हो, जो कि अंडर प्रेशर सप्लाई होता है। द इनर्ट गैस इज सप्लाइड टू द वेल्डिंग जोन थ्रू द एन्युलर पाथ सराउंडिंग द टंगस्टन इलेक्ट्रोड। जो सराउंडिंग में हॉलोस पोर्शन होता है वहां से क्या सप्लाई होगा, इनर्ट गैस सप्लाई होगा। टू स्ट्राइक द वेल्डिंग आर्क, अ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर वेल्डिंग करंट थ्रू द शील्डिंग गैस। शील्डिंग गैस के थ्रू पहले वेल्डिंग करंट पास होता है। द आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन टंगस्टन कैथोड एंड द बेस मेटल विच हीट्स द बेस मेटल टू द मेल्टिंग पॉइंट। फिर से आर्क जनरेट कैसे होती है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में, यानी जो वर्क मेटल है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, टंगस्टन कैथोड। इलेक्ट्रोड कैसे है, इलेक्ट्रोड इज ए निगेटिव, कैथोड इज ए निगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव इससे पहले कहाँ पर देख चुके हैं, सिंगल कार्बन आर्क वेल्डिंग, सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड निगेटिव देख चुके हैं। और दोनों केसेस में आपको ध्यान में क्या रखना है, दोनों केसेस में इलेक्ट्रोड कैसे है, नॉन कंज्यूमेबल, और दोनों को हमने कनेक्ट किसके साथ किया है, निगेटिव टर्मिनल के साथ, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू डैमेज द इलेक्ट्रोड। और जब भी आपको इलेक्ट्रोड को डैमेज नहीं करना है, उस केस में आपको उसे निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज व्हेनेवर DC सप्लाई यूज, एनोड पे 70% हीट जनरेट होती है और कैथोड पे 30% ही हीट जनरेट होती है। दैट्स व्हाई वी प्रिफर्ड इलेक्ट्रोड निगेटिव व्हेनेवर वी यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो ठीक है, उसे तो कंज्यूम ही करना है आपको, या उसे मेल्ट ही करना है, तो आप उसे पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, जनरली पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि वो तुरंत मेल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में हम क्या प्रिफर करते हैं, कि इलेक्ट्रोड हमेशा निगेटिव रहे। इट कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट फिलर मेटल, फिलर मेटल के साथ या विदाउट फिलर मेटल भी यूज कर सकते हो। ये हमेशा डिपेंड करता है थिकनेस क्या है, जहाँ पर आप वेल्ड कर रहे हो उसका थिकनेस क्या है। अगर बहुत कम थिकनेस है तो उस केस में फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन मेटल को आपको वेल्ड करना है उसी को मेल्ट करो और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि थिकनेस आपको कुछ फिल नहीं करना है। लेकिन जब थिकनेस बहुत लार्ज साइज़ की होती है तो बेस मेटल को मेल्ट करने के बाद भी आप उसे पूरी तरह से ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो आपको एक्स्ट्रा मेटल उसे सप्लाई करना पड़ता है, उस केस में फिलर मेटल का यूज़ करना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ मेटल टू बी जॉइंट। व्हेन अ फिलर मेटल यूज, इट इज एडेड टू वेल्ड पूल फ्रॉम सेपरेट वायर। यहाँ पे आपको सेपरेटली सप्लाई करना पड़ेगा फिलर मेटल का, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो मेल्ट होने वाला नहीं है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ TIG? हाई क्वालिटी वेल्ड फॉर सूटेबल एप्लीकेशन। क्वालिटी ऑफ वेल्ड जो मिलती है वो
MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग से भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है TIG में। नो स्प्लैटर बिकॉज नो फिलर मेटल थ्रू आर्क, यहाँ आर्क से फिलर मेटल नहीं आने वाला है। MIG में फिलर मेटल आर्क के थ्रू आता है तो स्प्लैटर जनरेट होता है, क्योंकि आर्क से अगर कोई लिक्विड फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्प्लैटर जनरेट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आर्क तो डिस्टर्ब होगा ही होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ लिक्विड मेटल। लेकिन यहाँ पर आर्क से कोई भी लिक्विड मेटल फ्लो नहीं होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के केस में, सो दैट्स व्हाई आर्क इज मोर स्टेबल, तो वहाँ स्प्लैटर जनरेट नहीं होते। लिटिल और नो पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग बिकॉज ऑफ नो फ्लक्स, ये तो MIG में भी था, कॉमन था, लेकिन यहाँ वेल्डिंग की क्वालिटी MIG से बहुत अच्छी मिलती है TIG में, तो वेल्डिंग होने के बाद कोई भी क्लीनिंग नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन, जनरली स्लोअर एंड मोर कॉस्टली देन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड AW प्रोसेस, MIG के कंपैरिजन में स्लो होता है, MIG का स्पीड बहुत फास्ट होता है, इट इज़ अ बहुत क्विकली वेल्ड अगर आपको करना है तो आप MIG प्रीफर करते हो, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है कंपेरेटिवली और कॉस्टली भी है कंपेयर टू MIG। जनरल एप्लीकेशन क्या है, एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील, मैग्नीशियम अलॉय, निकेल बेस अलॉय, कॉपर बेस अलॉय, कॉपर स्टील एंड लो अलॉय स्टील, मोस्ट सूटेबल फॉर थीन क्रॉस सेक्शन वर्कपीस। सबसे ज़्यादा सूटेबल है ये थीन क्रॉस सेक्शन वर्कपीस के लिए। सो डियर स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर फॉर टूडेज लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन फॉर योर अटेंडेंस ऑन द सेम डे। सो वी विल स्टॉप विद दिस। इन नेक्स्ट लेक्चर we will see the remaining types of arc welding. So have a good day. Okay. Before stopping, let's see a video representation of MIG as well as TIG, and after that we will end the lecture. Okay. तो पहले देखते हैं MIG का वीडियो और एनिमेशन। इसमें आपको पता चलेगा कि टॉर्च कैसे होता है, मेटल वायर सप्लाई कैसे होता है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। What is MIG welding? MIG stands for metal inert gas welding. The American Welding Society calls this process gas metal arc welding or GMAW. You might also hear it called wire welding. In MIG welding, a thin wire acts as the electrode. This wire is fed from a spool mounted on a gun or inside the welding machine through a flexible tube and out of the nozzle on the welding gun or a torch. Wire is fed continuously when the trigger on the welding gun is pulled. When this trigger is pulled, it also switches on the welding current and a shielding gas. An electric arc forms between this wire electrode and the workpiece and heats both metals above their melting point. These metals mix together or coalesce and solidify to join the workpieces into a single piece. The metal in these parts to be joined is called the base metal, and the metal that comes from the melting wire electrode is called filler metal. MIG welding always adds filler metal to the joint. Because the wire electrode melts as it's being used, MIG is called a consumable electrode process. Here's the MIG wire going through the wire feeder into a flexible tube or conduit liner. The liner goes through the hose or welding lead all the way to the torch nozzle. At the nozzle, the wire is fed through a contact tip comes out at the point of the weld. Shielding gas is also fed through the welding lead. It goes through a gas diffuser, flows out of the nozzle. This shielding gas, which is often a mix of argon and CO2, protects the molten metal from reacting with oxygen, water vapor, and other things in the atmosphere. The shielding gas is stored in high-pressure cylinders like these. Pressure is reduced to a usable level by a device called a regulator. In MIG welding, all the machine controls are set on the machine itself. Most important of these are polarity, wire speed, and voltage. The trigger on the gun is just an on-off switch. तो
MIG में मशीन के ऊपर तीन कंट्रोल होते हैं। पहला तो वायर स्पीड, आप कितने स्पीड से वायर को फीड करना चाहते हो। दूसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल, और तीसरा होता है आप यही से तीनों चूज़ कर सकते हो, आपको DC EP यूज़ करना है, DC EN यूज़ करना है, या AC पोलैरिटी यूज़ करना है। सो इट कैन बी चोजन ऑन मशीन इटसेल्फ। For most MIG welding, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative, one is always positive. DC MIG welding, the electrode is usually positive and the workpiece is negative. देखा, जनरली इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है क्योंकि ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आपको मैक्सिमम हीट कहाँ पर चाहिए? इलेक्ट्रोड के ऊपर। लेकिन यहाँ AC भी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जनरली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में क्या यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, बट ऑल थ्री कैन बी यूज। लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में ऑल थ्री यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं, एक बार AC यूज़ कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हम नहीं यूज़ करते क्योंकि हमको इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। Indicating that the current is direct current and the electrode is positive. This is also called reverse polarity, but DCEP is a more descriptive term. In an electric circuit, the current flows in a loop. In MIG welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch, into the work, back to the machine. The work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. So, in summary, MIG welding is an electric arc welding process. Uses a consumable wire electrode, filler metal is added automatically, and the shielding gas comes from a high pressure cell. अब देखते हैं TIG के बारे में। TIG stands for tungsten inert gas welding. The American Welding Society calls this process gas tungsten arc welding, or GTAW. You might also hear it called Healy arc welding. TIG welding uses a tungsten electrode. Tungsten has an extremely high melting point. When you TIG weld, the electrode gets hot, but it doesn't melt. We say that it's a non-consumable electrode. It doesn't mean it lasts forever. It just means that it doesn't melt and become part of the weld. You see, in a lot of other welding processes, the electrode melts and becomes filler metal. Those are consumable electrode processes. So here's the tungsten electrode being held in a TIG torch. The electrode slips into a collet, and the collet tightens up against the collet body. You can adjust the length that the electrode sticks out of the holder by loosening up the end cap. When you tighten the end cap, the collet clamps down on the electrode. TIG works by melting the base metal, and that is, the metal that makes up the two pieces that are to be joined. The heat is generated by an electric arc that forms between the base metal and the tungsten electrode. You can control the amount of heat with a foot pedal or with a thumb wheel on the torch. For most metals, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative and one is always the positive. In DC TIG welding, the electrode is usually negative and the work electrode is usually negative here. This is positive. The term DCEN is used for this, indicating that the current is DC and the electrode is negative. This is also called straight polarity, but DCEN is a more descriptive term. DCEN puts most of the heat on the workpiece, and it's the most common setup. When welding aluminum, however, AC is used. In AC, the positive and negative voltages switch back and forth between the electrode and the workpiece. This puts more heat on the electrode, but it has a cleaning effect on the workpiece. You see, aluminum forms oxides that float to the top of the weld pool and prevent a good weld. AC current helps control these oxides. In an electric circuit, the current तो MIG में आप तीनों पोलैरिटी यूज़ कर सकते हो, AC, DC, EN, DCEP, लेकिन TIG में आप AC यूज़ कर सकते हो एक बार, लेकिन DCEP
इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कभी यूज नहीं करना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोड डैमेज हो जाएगा। Flows in a loop. In TIG welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch, into the work, and back to the machine. A work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. Now you can TIG weld with or without filler metal, and that's not a choice you have in a lot of other processes. If you want to add filler metal to a TIG weld, use a filler rod, which is just a rod of metal with a specific alloy. You want to make sure that the filler metal you're using is compatible with the base metal and that it has the strength required to do the job. In TIG welding, the molten metal is protected by a shielding gas. This gas, usually argon and sometimes helium or other gases, keeps the molten metal from reacting with oxygen, water vapor in the atmosphere. This shielding gas is stored in high-pressure cylinders like these. The pressure is reduced to a usable level by a device called a regulator. The shielding gas flows through a hose and comes out right at the point of the weld. So in summary, TIG welding is an electric arc welding process, uses a non-consumable tungsten electrode, the filler metal is added separately in the form of filler rod, and the shielding gas comes from a high-pressure cylinder. So now we will stop here for today. Have a good day, student.